Hello and welcome to this another online lecture. Today we will be discussing data visualization in Python. First of all, we need to understand what is data visualization. Data visualization ka simple meaning hai to visualize graphically different data. फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आपके पास जब आप मैच देख रहे होते हैं तो आपके पास किसी ने बोला होता है कि कोई बॉलर बहुत फास्ट बॉल करता है, उसके बाद वो उसकी स्पीड जो बॉल बॉलिंग की होती है वो मैच की जाती है हिस्ट्री में बाकी स्पीड्स के साथ. और आपको कैसे दिखाया जाता है, आपको टेक्स्ट वाइज नहीं दिखाया जाता, आपको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दिखाया जाता है, तो ग्राफिकली आप ईजिली समझ पाते हैं. तो वो था पहले डेटा कि इसने इतनी स्पीड से बॉलिंग की है और आज तक इतने 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 प्लेयर्स ने इतनी इतनी डिफरेंट स्पीड से बॉलिंग की है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड की बॉलिंग इसने की इस प्लेयर ने की है. लेकिन वो लिख जो टेक्चुअली लिखा होगा उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग तब आ जाती है व्हेन इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन. सो हियर इन दिस स्लाइड इज़ ऑल्सो रिटन दैट द डेटा विजुअलाइजेशन इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड द डेटा. इसका मतलब जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके पास डेटा है, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर साइंसेज में डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस है. अब उसी डेटा को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम्स, तो वो सारे के सारे हमारे पास मीन्स है टू रिप्रेजेंट द डेटा विजुअली. तो वही चीज़ हम देखेंगे यहाँ ग्राफ में, सॉरी इस पाइथन में कैसे किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने के लिए कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए वी नीड टू यूज़ मैट प्लॉट लिब. दिस इज़ द लाइब्रेरी. ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पाइथन जो आपने पाइथन इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम पे उसमें नहीं होगा, आपको पहले ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा ये वाला पैकेज. उसके बाद जिस भी प्रोग्राम के अंदर, जिस भी पाइथन फाइल के अंदर आप कोई ग्राफ बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो उसके तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल इट. और इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है. लिखना क्या है, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे पाइथन डैश एम पी आई पी इंस्टॉल डैश यू मैट प्लॉट लिब. ये पैकेज है, ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल की जाएगी इस कमांड से. वरना अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन सर्च द वीडियो ऑन द इंटरनेट वेयर यू कैन फाइंड हाउ टू इंस्टॉल द मैट प्लॉट लिब पैकेज इन विंडोज़. ये इंस्टॉल करने के बाद जिस भी प्रोग्राम में आपको ये कोई भी ग्राफ बनाना है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ये वाली लाइन. ये वाली लाइन क्या बता रही है, भाई जो आपके पास पैकेज है मैट प्लॉट लिब, फ्रॉम मैट प्लॉट लिब इम्पोर्ट, क्या करना है इम्पोर्ट हमें पाई प्लॉट. ये इसके अंदर एक मतलब सब पैकेज है या क्लास जिसको हम कह सकते हैं. वो पाई प्लॉट जो है इसके अंदर वो सारे मेथड्स है जिसकी वजह से आप ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं या उसकी एडिटिंग कर सकते हैं. और उसके बाद एज पी एल टी का मतलब हो गया, ये जो यहाँ से पाई प्लॉट पैकेज है उसको जब इंपोर्ट किया जाएगा उसको अपने प्रोग्राम में मैं पी एल टी के नाम से यूज़ कर सकता हूँ. या तो आप ऐसे यूज़ कर सक ऐसे इम्पोर्ट कर सकते हैं या तो आप ऐसे सीधे ही आपको लिखना है इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट एज पी टी. इसका मतलब ये पहले का मतलब पहली लाइन का मतलब होता है कि भाई ये जो मैट प्लॉट लिब है ये पैकेज है उसके अंदर ये एक क्लास है इसको हमें इम्पोर्ट करना है. जबकि इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी सेम ही है लेकिन इसके लिखने का तरीका डिफरेंट है कि यहाँ मैट प्लॉट लिब जो है पैकेज है डॉट उसके बाद ये उसका क्लास है उसको इम्पोर्ट किया जाएगा और उसका नाम मैं रखूँगा अपने लिए पी एल टी. ये पी एल टी कोई दूसरा भी नाम हो, कोई कुछ भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी हो वैसा नाम आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजुअली हम पी एल टी ही रखते हैं इन ऑर्डर टू मैच इट्स मीनिंग. तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा मैट प्लॉट लिब, देन जिस प्रोग्राम में आप ग्राफ्स बनाना चाहते हैं उस प्रोग्राम के अंदर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी जिसकी वजह से इंपोर्ट किया जाएगा. नाउ टू डीपली अंडरस्टैंड इट हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स, सबसे पहले हमने एक सिंपल ग्राफ बनाया है इस एग्जाम्पल में. सबसे पहले जो आप फाइल लिखेंगे, फाइल ओपन करेंगे, उसमें करना कुछ नहीं है आपको, आपको बस ये तीन चार लाइनें लिखनी है. सबसे पहला वाला स्टेप जो मैंने बोला, पहले तो आप इंस्टॉल करेंगे, वो तो आपने पहले ही किया होगा. उसके बाद सबसे पहले प्रोग्राम में आप लिखेंगे फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट एज पी एल टी.
उसके बाद आप पाई प्लॉट के अंदर जो भी मेथड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई नीड टू क्रिएट दिस लाइन, ये जो यहाँ पे लाइन ग्राफ बनाया हुआ है इसको मैं बनाना चाहता हूँ। अब आपको पता है लाइन बनाने के लिए आई नीड एटलीस्ट टू पॉइंट्स, लेकिन मैंने चार दे दिए हैं। कैसे दिए हैं? इन द फॉर्म ऑफ टू लिस्ट्स, एक्स एक लिस्ट है, वाई दूसरा लिस्ट है। एक्स के अंदर 1 2 3 4 दिया है मैंने, वाई के अंदर 1 4 9 16 दिया है मैंने। सॉरी कहने का मतलब है पहला पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 1 से, नेक्स्ट पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 4, थर्ड पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 9, चौथा पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय 4 16। तो चार पॉइंट्स मेरे पास है, इन चार पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा तो हमारी लाइन बन जाएगी। हो गया, बन गया ग्राफ। लेकिन वो बनाने के लिए वी यूज़ ए फंक्शन जो पाई प्लॉट के अंदर है, दैट इज़ प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स लेती है, लेकिन यूजअली हमने यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पहला आर्ग्यूमेंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट्स और दूसरा होगा वाई कोऑर्डिनेट्स। आपको सिर्फ इतना ही देना है, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन जो होगी ये आपका ग्राफ बना देगी। लेकिन ये लाइन लिखने के बाद ग्राफ तो बन जाएगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। इन ऑर्डर टू शो दिस ग्राफ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे PLT फिर शो, मतलब ये जो शो फंक्शन है ये भी किसकी फंक्शन है? पाई प्लॉट की। अब पाई प्लॉट को हम यूज़ कर रहे हैं एज PLT, तो ये पाई प्लॉट की फंक्शन है जिसकी वजह से आपके सामने वो फाइल दिख जाएगी। लेकिन कुछ कंपाइलर्स में क्या होता है कि उनमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं होता है, उसके लिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंटर मॉड्यूल पढ़ेंगे उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी वजह से हमारा ये शो मेथड चलता है और ये हमारे पास इमेज दिख जाती है। अगर जब आप इसको रन करेंगे अगर एरर आ रहा है कि आपकी ये इमेज दिख नहीं रही है, तो इसके बदले आप दूसरी कमांड यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा, जिसकी वजह से आपकी ये जो इमेज है किसी इमेज फाइल में सेव हो जाएगी, उसके बाद उस इमेज फाइल को आप ओपन करके देख सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा वी हैव अनदर मेथड, अनदर एग्जांपल। अब ये जो पहली वाली एग्जांपल थी यहाँ पे हमने देखा, हमने खुद दिए एक्स के कोऑर्डिनेट्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स। दूसरी एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम यहाँ पे फिर से इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT लिख रहे हैं। उसके बाद मैंने प्लॉट फंक्शन में, आप देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में प्लॉट फंक्शन में मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, एक तो एक्स दिया था एंड द अनदर वॉज वाई, लेकिन इस एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दिया है। क्लियर? मान लीजिए ये इसका मतलब ये सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है? या जब हम एक ही कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो उस केस में हमारे पास या अभी इसको देखेंगे इसके आउटपुट को। तो सबसे पहले ये PLT प्लॉट फंक्शन जो होगी इसकी वजह से इसका ग्राफ बनाएगी। एक और फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज की है, दैट इज वाई लेबल। ये भी पाई प्लॉट की ही बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, इसकी वजह से आप जो आपकी वाई एक्सिस है उसको कुछ नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम सीधे लिखा है सम नंबर्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप वहाँ लिखना चाहते हैं इट इज़ वाई एक्सिस, या जो भी आप उस एक्सिस का नाम लिखना चाहते हैं वो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन किस फंक्शन के आगे? वाई लेबल के आगे, और उसके बाद PLT.show, तो आपके सामने ये इमेज आ जाएगी और इसका आउटपुट होगा हमारा ऐसा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने PLT फंक्शन के अंदर सिर्फ 1 2 3 4, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट्स दिए, और ये कोऑर्डिनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट वाई कोऑर्डिनेट्स माने जाते हैं, और एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिए जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं, तो पहला पॉइंट क्या होगा? 0 1, दूसरा होगा 1 2, फिर 2 3, फिर 3 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ऐसी ही बनी है, 0 1, उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारे पास 1 2, तो ये देख लीजिए 1, और ये यहाँ पे y का वैल्यू है 2। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास था यहाँ 3 है, लेकिन x का ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे 0 1 और 2, यहाँ x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली 2 और 3, y का कोऑर्डिनेट है 3, तो आ जाएगा 2 3, तो ये देख लीजिए 2, और यहाँ पे इसका वैल्यू है 3।
सिमिलरली लास्ट कोऑर्डिनेट इज़ यहाँ तक एक्स का वैल्यू पहुँच गया होगा, इसके लिए था 0, 1, 2 और 3, तो यहाँ आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई का कोऑर्डिनेट खुद दिया है हमने 4, तो 3, 4 आप देख सकते हैं 3 और यहाँ पे वाई का 4, तो ये चार पॉइंट्स बन गए और इनको इसको ज्वाइन किया जाता है और आपके पास लाइन बन जाती है। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये सम नंबर्स लिखा हुआ आ रहा है वाई एक्सिस के सामने। अगर आपको एक्स एक्सिस का भी कुछ नाम लिखना होगा तो आपको आप यहाँ लिख सकते हैं PLT.xLabel ब्रैकेट उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में उस एक्स के एक्सिस का नाम। तो ये दो एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी थी जिसकी वजह से हम वी आर क्रिएटिंग लाइन ग्राफ्स, क्लियर, यानी कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को। उसके बाद वी हैव अनदर एग्जांपल वेयर वी कैन प्लॉट आवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स, जैसा कि इस एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। इसको बनाने के लिए फिर से मुझे इस लाइन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब पाई प्लॉट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए एक्स लिस्ट के अंदर, वाई के कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए वाई लिस्ट के अंदर। पहले मैं लिखता था PLT.plot, लेकिन अब यहाँ प्लॉट नहीं लिखना, मुझे बार्स बनाने हैं, तो उसके लिए बाई डिफॉल्ट एक फंक्शन है दैट इज़ बार, तो लिखना है आपको PLT.bar, उसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। आप खुद देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है 5, यानी कि एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 10, आप देख सकते हैं x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 10। सिमिलरली x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5 बन गया। दूसरा बार x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 8, देन वी हैव 4, 4, दिस इज आवर 4, 4, उसके बाद 7, 2, दिस इज 7 एंड 2। तो इस तरीके से ये जो बार फंक्शन है पाई प्लॉट के अंदर, ये ऑटोमेटिकली ये बार्स क्रिएट करेगी और PLT.show की वजह से आपका ये ग्राफ बन जाता है या दिख जाता है, सॉरी बन तो इससे BAR फंक्शन से बन जाता है, उसके बाद शो फंक्शन से ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है, क्लियर। सिमिलरली वी हैव अनदर फंक्शन जहाँ पे जैसा हमने पिछले डिस्कशन में देखा था कि NumPy क्या होता है। NumPy यूजुअली एक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस लाइन के अंदर मैंने पाई प्लॉट को इंपोर्ट किया है, लेकिन दूसरी लाइन में मैंने NumPy को इंपोर्ट किया है एज इसका नाम रखा है NP, आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ NumPy लिखना ज़रूरी है और यहाँ इसके आगे एज के आगे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जिसकी वजह से आप इसको यूज़ यहाँ पे करेंगे। जिस तरह हमने मैटप्लॉटलिब को यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब वो पहले इंस्टॉल्ड होगा, इसी तरह NumPy भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं होती है, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो इसका मतलब जब आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड ये NumPy होता क्या है। NumPy एक ऐसी पैकेज है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेथड्स है या फंक्शंस है, क्लासेस है, जिसकी वजह से आप एरेज़ के ऊपर काम करना कर सकते हैं। अब एरे क्यों चाहिए हमें, सबसे पहले पाइथन में तो एरे होता नहीं है, लिस्ट होता है। पाइथन में हमें एरे इसलिए चाहिए क्योंकि एरे के ज़रिए हम मेट्रिसेस को, डिटर्मिनेंट्स को इजीली डिनोट कर सकते हैं और मैथमेटिकली मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए पाइथन में हमारा एक फील्ड होता है मैथमेटिक्स का, दैट इज़ लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा में हम मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स पे बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, उन ऑपरेशंस को पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास पहले से बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन वो किस पैकेज में है, NumPy पैकेज में, इसीलिए वो यूज़ NumPy। ये जो ब्लैक में लिखा है दिस इज़ अ कमेंट, मैं यहाँ करना क्या चाहता हूँ, मैं NumPy जो है उसको मैंने यूज़ किया एज NP, तो np.arrange, arrange जो होता है, arrange एक फंक्शन होती है NumPy की, ये करता क्या है, ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स ए लीनियर एरे फ्रॉम जो इसका पहला आर्ग्यूमेंट होगा टू जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा, तो इसका मतलब 0 से लेके 5 तक। अब मैंने दोनों के आगे पॉइंट इसलिए डाला है, ये इसको लेगा एज फ्लोटिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि तीसरा, ये जो तीसरा होता है आर्ग्यूमेंट, सॉरी ये जो तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है, इट इज़ द स्टेप, इसका मतलब 0 से लेके 5 तक तो नंबर्स जनरेट होंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन किसके बाद क्या होगा, तो पहले होगा जनरेट 0, उसके बाद होगा 0.2, उसके बाद 0.4, उसके बाद 0.6, 0.8, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कहाँ तक चलेगा ये, 5 तक। तो अरेंज एक, तो वहाँ से जो नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स जनरेट हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जाएंगे टी में, तो टी जो है मेरे पास ये आपका एक
एक हिसाब से एरे बन जाएगा जिसके अंदर सारे के सारे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ ही होंगे, क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फिर से प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया है, क्लियर। लेकिन मैं इसी प्लॉट फंक्शन के ज़रिए तीन ग्राफ्स इकट्ठे एक ही ग्राफ के अंदर बनाना चाहता हूँ। कैसे? सबसे पहले मैंने पहला आर्ग्यूमेंट दिया है टी कॉमा टी, इसका मतलब टी के अंदर वैल्यू होगा पहला 0, तो इसका ये होगा इसको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट भी टी ही है, इसका मतलब टी के अंदर अगर पहला वैल्यू 0 है तो उस पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा वैल्यू टी के अंदर है 0.2, तो दूसरा भी क्या होगा, 0.2,0.2, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट बन जाएगी, क्लियर। उसके बाद तीसरा आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है आर माइनस माइनस, माइनस माइनस का मतलब है दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन। आप क्या करना चाहते हैं, एक ही ग्राफ के अंदर बहुत सारे ग्राफ्स बनाना चाहते हैं। यहाँ टी टी आर डैश डैश ये एक ग्राफ है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक तीसरा दूसरा ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा ग्राफ है। पहला ग्राफ का एक्स कोऑर्डिनेट टी देगा, वाई कोऑर्डिनेट भी टी ही देगा, तो ये सेम सेम होंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और उसका कलर जो होगा उस लाइन का रेड होगा। रेड डिफाइन करने के लिए वी नीड टू राइट स्मॉल आर और उसके आगे उसकी शेप, शेप जैसे जैसी आप सिंबल यहाँ पे बनाएंगे वैसी ही शेप वहाँ पे बन जाएगी। अभी जब मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ग्राफ जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट टी देगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो भी टी वैल्यू देगा उसको हो जाएगा रेज पावर 2, और उसका जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, और वो छोटे छोटे स्क्वायर से बना होगा। स्क्वायर से बनाने के लिए उसमें एस देना पड़ेगा, दिस इज द पर्टिकुलर सिंटेक्स। तीसरा ग्राफ बनाने के लिए टी एक्स कोऑर्डिनेट देगा, टी रेस पावर 3 वाई कोऑर्डिनेट देगा, और उसका कलर होगा ग्रीन और सिंबल होगा ये ऐसा। उसके बाद जो ही इसको आप बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, दूसरी लाइन में PLT डॉट शो जब लिखेंगे तो आपके सामने जो बना हुआ ग्राफ होगा वो दिख जाएगा। वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो रेड वाली लाइन है दिस इज़ आवर फर्स्ट ग्राफ, ये स्क्वायर वाली ब्लू कलर की सेकेंड ग्राफ, ये जो ग्रीन कलर वाली ट्रायंगल वाला था वो तीसरा ग्राफ। तो ये अलग अलग शेप्स में क्यों बने, मतलब अलग अलग सिंबल से, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने डैश डैश यूज़ किया, यहाँ एस यूज़ किया, यहाँ पे रेस पावर वाली सिंबल यूज़ की, इसी हिसाब से इनकी शेप्स भी बन गई। दूसरा इनका कलर भी हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे आर लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे जी लिखा, उसकी वजह से इनका कलर भी डिफरेंशिएट हो गया। उसके बाद मैंने एक्स और वाई का नाम नहीं लिखा, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है। अगर आप लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, क्लियर। दिस वॉज अनदर एग्जाम्पल। सिमिलरली अनदर लास्ट एग्जाम्पल इज़ हाउ टू क्रिएट द हिस्टोग्राम। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हिस्टोग्राम होता क्या है। इफ़ यू विल सर्च द नेट, सिंपल बेसिक डेफिनेशन जो हिस्टोग्राम की है वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा। हिस्टोग्राम हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, जब हम इस कोड को जो मैंने अभी दिखाया इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास ऐसी एक फिगर बन जाएगी, और इस फिगर को बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। इसमें क्या होता है, ये हमें फ्रीक्वेंसी बता देता है किसकी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर 60 है, 60 के वैल्यूज़ इतने ही हैं। अगर 100 है, 100 के वैल्यूज़ इतने सारे हैं। सिमिलरली 120 के वैल्यूज़ इतने हैं। इसी तरह बीच में मतलब 60 और 140 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ है वो कितने अवेलेबल है वो सारे के सारे बता रहा है। तो इस ग्राफ में हमने देखा है स्मार्ट मतलब दिस इज़ द IQ टेस्ट। सिंपल एग्जाम्पल हमने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बनाई है जिसमें हमारा यहाँ से स्मार्टनेस दिखाया जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे कितने लोग हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है हमारी कि स्मार्ट लोग 100 होंगे, कितना ये कितना डेटा है हमारे पास, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02। इसी तरह कि वो लोग जिनकी स्मार्टनेस सिर्फ 60 है, मतलब IQ कोशेंट जो है, इंटेलिजेंट कोशेंट जो है वो सिर्फ 60 है, वो सिर्फ मेरे पास इतने ही है, क्लियर। अब ये बनाया कैसे जाएगा, इसको बनाने का तरीका यहाँ पे मैंने कोड लिखा है। सबसे पहले इन द फर्स्ट लाइन आई एम इम्पोर्टिंग द पाई प्लॉट। यहाँ पे भी मुझे NumPy चाहिए क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एरे को जनरेट करता है, तो फिर से वरना मुझे एक एक करके लिखना पड़ेगा या फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, उससे बेटर है आई विल यूज़ ए पैकेज जिसके अंदर पाई डिफॉल्ट मेथड्स है। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स को यूज़ किया है, एक का नाम रखा है म्यू, दूसरे का नाम सिग्मा। म्यू के अंदर 100 जाएगा, सिग्मा के अंदर 15 चला जाएगा। उसके बाद आई एम क्रिएटिंग ए इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, म्यू प्लस सिग्मा इंटू, यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट किया जाएगा, किससे, RANDN, एक रैंडम नंबर जनरेट करने की ये फंक्शन है। ये किसकी है, ये रैंडम क्लास की है, और वो रैंडम क्लास किसका है, वो NumPy का है, तो इसीलिए ये NumPy से ही यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर आप वैल्यू देते हो,
यहाँ पे मैंने 10,000 दिया है, इसका मतलब 0 से लेके 10,000 तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट किया जाएगा, क्लियर। उस रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा सिग्मा दैट इज़ 15, उसको प्लस किया जाएगा म्यू दैट इज़ 100, तो वो बन जाएगा एक वैल्यू एक्स। इसी तरह फिर से ये 0 से लेके 10,000 के बीच में जनरेट नहीं करेगा, ये 1,000 नंबर जनरेट करेगा। ये सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया यहाँ पे, ये जो आर ए एन डी एन जो है ये इस इतने सारे रैंडम नंबर्स जनरेट करता है ऑटोमेटिकली इन अ डिफॉल्ट रेंज। उस रेंज में ऑटोमेटिकली इतने 10,000 नंबर जनरेट करेगा, पहले नंबर को मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा प्लस म्यू वो एक्स एक्स के अंदर चला जाएगा, दूसरा नंबर जनरेट उसको मल्टीप्लाई सिग्मा प्लस म्यू, तीसरा नंबर जनरेट, इसी तरह 10,000 नंबर जनरेट हो जाएंगे, उन सबको एक एक करके सिग्मा मल्टीप्लाई और प्लस म्यू हो जाएगा, वो एक्स के अंदर बन जाएगा। तो आप एक्स को मान सकते हैं एज ए एरे या एज ए लिस्ट जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स है। उसके बाद आई एम यूजिंग ए इनबिल्ट मेथड दैट इज एच आई एस टी, नाम से ही समझ आ रहा है कि ये वाली जिस तरह हमने लाइन बनाना था तो उसके लिए प्लॉट, बार चार्ट बनाना था उसके लिए बार फंक्शन, इसी तरह हिस्टोग्राम बनाने के लिए आई यूज़ एच आई एस टी फंक्शन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ देने हैं एक्स, क्लियर, कि आपके पास जो डेटा है वो कितना क्या है। उसके बाद मुझे कितने काउंट करने हैं वो यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज़ 50, आई नीड टू काउंट 50, इसको बोलते हैं बिन्स। ये जो यहाँ पे आप ये ऊंचाइयाँ देख रही हैं, ये एक या एक ऊंचाई है, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कितनी ऊंचाइयाँ होंगी, इन ऊंचाइयों को बोलते हैं हम बिन्स, वो मैं यहीं से दे रहा हूँ दैट इज़ 50। उसके बाद फेस कलर जी, मतलब इस ग्राफ का कलर जो होगा वो ग्रीन होना चाहिए। ये रिटर्न करता है आफ्टर द एग्जीक्यूशन, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द हिस्टोग्राम, ये तीन चीज़ें क्या बोलते हैं इसको रिटर्न करता है, जिसको आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे इस ग्राफ में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तीन चीज़ें, एक तो पैचेस सॉरी एन जनरेट करता है, बिन्स कितने नंबर ऑफ बिन्स है, और पैचेस जनरेट करता है, क्लियर। फिलहाल ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें सिर्फ ये थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि हिस्टोग्राम बनता कैसे है, उसके लिए सिर्फ आपको ये यूज़ करना है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तब हम यूज़ करेंगे जब हमें हिस्टोग्राम बनाने के बाद उससे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये है कि कैसे हम हिस्टोग्राम को बनाते हैं। यहाँ तक हमने बना लिया, उसके बाद अब ग्राफ को थोड़ा सा सजा लेते हैं। कैसे भाई, एक्स लेबल को हम एक्स को एक्स एक्सिस को हम नाम रख देते हैं स्मार्ट्स, वाई एक्सिस को नाम रख देते हैं प्रोबेबिलिटी, टाइटल फंक्शन एक और होती है उसके अंदर आप लिख सकते हैं इसका ग्राफ का ग्राफ की हेडिंग। उसके बाद मैं इतना इतना सारा करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ग्रीन कलर का हिस्टोग्राम बन गया, ऑटोमेटिकली आपने एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ दे दिया, ऑटोमेटिकली एक हिस्टोग्राम बन गया, एक्स एक्सिस का नाम स्मार्ट आ गया, वाई एक्सिस का नाम प्रोबेबिलिटी जो आपने दिया था, और टाइटल आ गया हिस्टोग्राम ऑफ आईक्यू जो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया। अब आप चाहते हो यहाँ ग्राफ के अंदर ही कहीं ना कहीं पे ये लिखा हुआ होना चाहिए म्यू इज इक्वल टू 100 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 15, वो लिखने के लिए वी यूज़ द फंक्शन टेक्स्ट ये वाली प्लॉट, ये भी पाई प्लॉट की ही फंक्शन है। इसके अंदर आपको देना पड़ेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू सॉरी ये देखिए आप यहाँ 60 एक्स कोऑर्डिनेट 60 है और वाई कोऑर्डिनेट 0.25 है, इस जगह से आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वही मैंने यहाँ पे दे दिया है। पहले दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, 60, 0.25। लिखना क्या है मुझे, लिखना है आप देखिए यहाँ लिखना क्या है, लिखना है मुझे म्यू इज़ इक्वल टू 100। अब 100 तो हम सीधे लिख देंगे, लेकिन म्यू लिखने का जो तरीका है वो हम अच्छा और ये अच्छा हाँ म्यू लिखने का या मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने का तरीका ये है पाइथन में, पहले आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब ये फंक्शन है यहाँ पे डॉलर लिखेंगे, यहाँ पे डॉलर को डॉलर फिर से लिखेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन अंदर के अंदर क्या लिखना है, अब म्यू लिखना है। म्यू कैसे लिखेंगे पाइथन के अंदर, बैक स्लैश एम यू, जब आप लिखेंगे तो बैक स्लैश एम यू जो है वो पाइथन में बाई डिफ़ॉल्ट माना जाता है ये म्यू है, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट किया जाएगा ये वाला सिंबल। उसके बाद उसके आगे 100 कॉमा,
अब दो बैक स्लैश, पहले बैक स्लैश का मतलब है थोड़ी सी स्पेस, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मानी जाएगी। उसके बाद सिग्मा, सिग्मा डालने के लिए आपको फिर लिखना पड़ेगा बैक स्लैश सिग्मा। सिग्मा जब आप लिखेंगे, इससे भी पाइथन को ऑटोमेटिकली समझ आता है कि दिस इज़ ए सिग्मा सिंबल, जो ये वाली है। और उसके बाद वहाँ इक्वल टू 15 आ जाएगा, बस इसकी वजह से ये वाली इक्वेशन जो है म्यू इज इक्वल टू 100 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 15, इस तरीके से ये इक्वेशन वहाँ पे दिख जाएगी, कहाँ पे 60.025 पे। और इसके अलावा आप एक्सीज जो है, एक और मेथड है दैट इज एक्सीज, इसकी वजह से आप एक्स एक्स, ये जो हमारा एक्स एक्सीज है, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, दोनों एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, उसके वैल्यूज़ बताते हैं कहाँ से लेकर मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे कि यहाँ 40 से 160 और 0 से लेके 0.030 तक होना चाहिए, तो वो आप एक्सिस से दे सकते हैं। यहाँ पे आप देंगे एक लिस्ट के अंदर 40.150, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का लोअर लिमिट और अपर लिमिट, फिर वाई कोऑर्डिनेट का ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिया जाता है, उसको लिखा जाता है। एक और फंक्शन होती है दैट इज़ ग्रिड। ग्रिड मतलब ये जो आपको यहाँ ऐसे ये डैश डैश दिख रहे हैं, दिस इज़ ए ग्रिड। तो अगर आप ये ग्रिड एनेबल करना चाहते हैं तो आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा प्लॉट डॉट ग्रिड ब्रैकेट के अंदर ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, उसको दिखाने के लिए आपको यहाँ ट्रू लिखना पड़ेगा। लास्ट में यू विल राइट plt डॉट शो एंड यू योर इमेज विल बी डिस्प्लेड। क्लियर? सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे जिसकी वजह से आप यहाँ पे, तो आप डेटा मैंने खुद यहाँ स्टैटिकली दिया, आप किसी फाइल से भी, जैसे हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी है, किसी फाइल से भी डेटा को उठा सकते हैं, यहाँ पे अपने प्रोग्राम में लोड कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ इस छोटे से ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं पाइथन की, जिसकी वजह से आप लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स या हिस्टोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ में आपको ज़्यादा कुछ डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंपल इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।